So we are back with another Mashle Magic and Muscles video और यहाँ हम कहानी को ठीक वहीं से शुरू करेंगे जहाँ हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था। मतलब मैश और डूम आपस में भिड़ गए थे लेकिन ये लड़ाई पूरी नहीं हो पाई क्योंकि डिवाइन विजनरीज वहाँ पहुँच गए थे। खैर तो इसके बाद काफी चीजें हुई हैं जो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि इन इवेंट्स के कारण ही फाइनल फाइट ना सिर्फ सेटअप होगा बल्कि इसी वीडियो में शुरू भी हो जाएगा। okay. हाँ तो डूम से लड़ने के बाद मैश गया था मिलिया डोल एमी से ट्रेनिंग लेने और ये ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा कठिन थी। मतलब लिटरली मैश की इस ट्रेनिंग के दौरान लगी पड़ी है। वहीं अगर हम मैश के फ्रेंड्स डॉट और लैंस की बात करें तो वो लोग भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। किसके साथ? ऑटर के साथ। हैरी पॉटर जैसा साउंड कर रहा। तो ऑटर वही डिवाइन विजनरी है जिसके पास सैंड वाला मैजिक है और वो बहुत ही रूड सा आदमी है। साथ ही वो लैक मैजिक लोगों को हेट करता है, यानी जिसके पास मैजिक नहीं हो तो ऑब्वियसली वो मैश को भी पसंद नहीं करता। अब यहाँ सबको पता था कि इनोसेंट जीरो एक्लिप्स के टाइम पे सबसे ज्यादा पावरफुल होगा और उसी दिन वो अपना अटैक लॉन्च करने वाला है, लेकिन इनोसेंट जीरो इनसे एक कदम आगे था। कैसे वो बस एक मिनट में बताऊंगा। फिलहाल आप ये जान लो कि मिलिया डोल एमी के साथ मैश की इतनी खतरनाक ट्रेनिंग होती है ना कि भैया मैश अपना होश खो देता है, इतनी इंजरी हो गई उसे। ऐसे में मिलिया डोल एमी मैश पे वाइंड अप की ऑफ लाइफ का इस्तेमाल करती है जिसकी को बेसिकली मिलिया डोल 24 घंटे तक घुमाएगी और इससे जो मैश है अपना वो फुली हील हो जाएगा। लेकिन अगर फुली हील नहीं हो पाया तो भैया मैश की जान भी जा सकती है और इसकी को घुमाने में बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल लगता है। मतलब मेरे जितना मसल हो तो तुम लोग भी घुमा लोगे, इससे कम रहा तो नहीं घूमेगा। मतलब कुछ भी। नाउ कमिंग टू इनोसेंट जीरो, वेल मैंने कहा था ना कि वो इन सब के प्लान पे मूत देगा। हाँ तो वो सिटीज पे अटैक करने अपनी आर्मी को 2 दिन पहले ही भेज दिया। जी हाँ, कोई भी इस सरप्राइज अटैक के लिए तैयार नहीं था और यहाँ से काइंड ऑफ ऑल आउट वॉर शुरू हो गया है। अब यहाँ आपके मन में सवाल होगा कि इनोसेंट जीरो की आर्मी भी है? मतलब बच्चे तो थे लेकिन आर्मी कब और कहाँ बन गई? इस आर्मी में कौन कौन है? वेल इस आर्मी को उसके बच्चों ने ही क्रिएट किया है, काइंड ऑफ सबसे मिलजुल के, और उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। मतलब यहाँ जायंट्स हैं, गार्गोयल्स हैं, सेंटोर्स हैं, ऑर्क्स हैं और पता नहीं कितने विचित्र तरह के प्राणी हैं। वैसे निटैक्स में कई डिवाइन विजनरीज इन अजीब विचित्र प्राणियों से लड़ते हैं और इन सब में जो सबसे पावरफुल डिवाइन विजनरी है वो है रियो ग्रांट्स, जो कि है डिवाइन विजनरी ऑफ लाइट। फिर हम कुछ मास्टर केन यूजर्स को भी देख पाते हैं और भैया वो भी डिवाइन विजनरीज ही हैं, लाइक सोफीना बिबलिया जिसके पास है द नॉलेज केन, देन सुरारा हेलस्टोन जिसके पास है आइस केन, फिर अगीतो टायरोन जिसके पास है द ड्रैगन केन, देन रेनोटस रिवॉल जिसके पास इमॉर्टल केन है, वगैरह वगैरह। तो ये जो मास्टर केन होल्ड करने वाले विजनरीज हैं, ये पहले इनोसेंट जीरो की आर्मी से लड़ते हैं, उन्हें काइंड ऑफ हराते हैं और फिर ये लोग इनोसेंट जीरो के बच्चों से लड़ने चल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमॉर्टल केन वाला रेनोटस सीधा जाके डूम से भिड़ जाता है। इस लड़ाई में अपना 3-liner रेनोटस लिटरली अपने थर्ड्स का इस्तेमाल करके थैनाटोस को समन कर लेता है जो कि है द गॉड ऑफ डेथ। लेकिन डूम तो भैया डूम है, हरा देता है उसको भी, मतलब कि अपना जो डिवाइन विजनरी है वो गया। नाउ नॉलेज केन वाली सोफीना डेलिजास्टर से भिड़ती है और ऑफ कोर्स इस लड़ाई में जो अपना बेटा है इनोसेंट जीरो का डेलिजास्टर वो जीत जाता है। वहीं आइस केन वाली सुरारा भिड़ती है एपिडेम से, एंड अगेन जैसा हम सोच रहे थे एपिडेम इस लड़ाई को जीतता है। अब फैमिन से ड्रैगन केन वाला अगीतो भिड़ता है और अगीतो भी इस लड़ाई को हार जाता है, यानी कि अगेन फैमिन जीत गया जो कि इनोसेंट जीरो का बेटा है। आलम यह था मित्रों कि इनोसेंट जीरो के जो बच्चे हैं वो इन 4 मास्टर केन वाले डिवाइन विजनरीज को लिटरली बीच चौराहे पे लटका देते हैं क्रॉस पे, ताकि सभी लोग देख सके और देख के थर थर कांप सके। लिटरली इससे हाहाकार मच गया था। तभी इनोसेंट जीरो एक मैजिकल मिरर या पोर्टल के थ्रू पूरी दुनिया को एड्रेस करता है। वो कहता है कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा और ह्यूमैनिटी को खत्म कर दूंगा, बचेंगे तो सिर्फ वो जो इनोसेंट जीरो को एक तोहफा देंगे। कैसा तोहफा? वेल जो भी मैश को इनोसेंट जीरो तक कैप्चर करके लाएगा उसे इनोसेंट जीरो नहीं मारेगा। यहाँ इनोसेंट जीरो क्लियरली बता भी देता है कि फिलहाल जो मैश है अपना वो मिलिया डोल एमी के जगह पे है, तो जाओ वहां से मैश को कैप्चर करके मेरे पास ले आओ। ये सुनके पूरे देश के लोग मैश को कैप्चर करना चाहते थे क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी एक लैक मैजिक के कारण अपनी जान क्यों गंवाना चाहेगा? सबको अपनी जान प्यारी होती है, मुझे भी है। मैं रहता मैं भी मैश को पकड़ के तुरंत हवाले करता। नो नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, मैं लड़ता इनोसेंट जीरो से।
पता नहीं तुम क्या करते, तुम बताओ कमेंट में। उधर मैश तो खुद काइंड ऑफ मरणासन स्थिति में था क्योंकि एमिलिया डोल एमी उस पे वाइंड अप की का इस्तेमाल कर रही थी, घुमाया जा रही थी उसे घंटों से, मतलब 24 घंटे तक घुमाना था उसे। इन सब कांड के दौरान लोगों के बीच सिर्फ एक रे ऑफ होप था और वो था रियो ग्रांड। अब मैं रियो का इतना नाम ले ही रहा हूं तो चलो मैं आपको रियो के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। बेसिकली रियो को स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन विजनरी माना जाता है, मतलब ही इज लिटरली नंबर वन। इनफैक्ट रियो एक ऐसा बढ़िया इंसान है कि उसे लैक मैजिक लोगों से कोई नफरत नहीं है और वो बहुत ही सबकी मदद भी करता है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है बंदे में कि कुछ ज्यादा ही शो ऑफ है बंदा, मतलब जब भी बैटल फील्ड पे आएगा तो अपनी ही बड़ाई करने लग जाएगा। लाइक आई शाइन लाइक अ ब्राइट लाइट, व्हाई फियर व्हेन आई एम हियर, आई एम नंबर वन, आई एम द बेस्ट, आई एम द वन हु शाइन्स द ब्राइटेस्ट, वगैरह वगैरह ऐसी बातें बोलता है वो। अब रियो की ये सब बकवास सुन के इनोसेंट जीरो थोड़ा इरिटेट होता है। वो बोलता है बेटा मैं तुम्हें अपनी पावर की झलकी देता हूँ, ये देखो मेरे पास वॉन्ड ऑफ बिगनिंग्स है और अब देखो तुम मेरी ताकत। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इनोसेंट जीरो यहाँ अपने वॉन्ड से बड़ा सा डार्क मैजिक क्लाउड क्रिएट करता है और पूरे सिटी पे गिरा देता है। रियो अपनी पावर से इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन इस पैनल को देख के लग नहीं रहा था कि रियो इस अटैक को रोक पाया। वैसे क्या हुआ ये आगे बताऊंगा। इस हमले को देखकर लग रहा था कि ये सिटी पूरी तरह से काइंड ऑफ तबाह हो गई और इनोसेंट जीरो कहता भी है कि देखो मेरे खिलाफ जो खड़ा होता है उसका यही हाल होता है, तो जो मैं बोला हूं वो चुपचाप करो अगर जिंदा रहना है तो, वरना मैं सारी सिटीज को पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा, सारी दुनिया जला देंगे। तो ये सब सुन के कॉमन लोग सीधा मिलिया डोल के अड्डे पे पहुंचते हैं क्योंकि भैया उन्हें मैश चाहिए था। मिलिया डोल उनसे लड़ने में बिजी हो जाती है और ऐसे में वो अपने एक शिष्य उचोवा डेल को वाइंड अप की घुमाने बोल देती है। यहाँ मिलिया डोल बताती है कि इस की को हमें घुमाते रहना होगा, मतलब लगातार घुमाना होगा ताकि मैश हील कर सके, क्योंकि अगर आप घुमाना बंद किए तो की लिटरली उल्टा जाने लगता है, इससे मैश की हालत और बिगड़ जाएगी और इन द एंड वो मारा जाएगा। हम लिटरली एक मीटर देख पाते हैं जिसमें 0 to 100 था। मिलिया डोल शायद 50 तक घुमा दी थी लेकिन अगर घुमाया नहीं गया तो वो 50 से वापस 0 पे चला जाएगा और 0 पे गया तो मैश। वैसे ओचोआ डेल में इतनी ताकत थी नहीं कि वो इस की को घुमा सके, थाम लेगा वही बहुत है, बहुत ताकत लगता है इसको घुमाने में और इसी के परिणाम अनुसार मीटर गिरने लगता है। अब यहां मैं आपको ओचोआ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि फाइनल फाइट में इसका थोड़ा सा काम है तो अभी आप जान लो। तो ये मिलिया डोल का शिष्य है जो कि एकदम छोटू सा दिखता है और एलिगेटर का कॉस्ट्यूम पहन के घूमता रहता है। अब ओचोआ से बड़ा दोगला इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है, मतलब ये पार्टी ऐसे बदलता है जैसे हम कपड़े बदलते हैं लिटरली। एक पॉइंट में मैश को भी मारने की सोच रहा था ताकि इनोसेंट जीरो का फेवरेट बन सके लेकिन मिलिया डोल इसे पकड़ ली और कहती है कि बेटा इससे पहले इनोसेंट जीरो कुछ करे मैं तुम्हें मार दूंगी तो तुम की को घुमाते रहो। तो अब मिलिया डोल के डर से ये की घुमा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये कभी भी टीम पलट सकता है, इनफैक्ट बहुत बार पलटेगा भी आगे, आपको मैं बताता ही रहूंगा। तो हां इसके बारे में आप इतना जान लो, मैंने बताया आगे ये काम आएगा थोड़ा सा। दूसरी तरफ हम रियो ग्रांड्स की तरफ आते हैं। जी हां ये बंदा इनोसेंट जीरो के अटैक को झेल गया था और सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किया, उस अटैक को डिफ्लेक्ट करके वो कैजुअलिटीज भी एकदम मिनिमम पे रखा। मतलब मान गए गुरु, रियो भले ही बहुत ही एकदम शो ऑफ इंसान है लेकिन पावर है इस बंदे के अंदर वो भी बहुत ज्यादा। रियो फौरन एक एंटी इनोसेंट जीरो कोलिशन हेडक्वार्टर्स फॉर्म करता है जहां बचे खुचे पावरफुल मैजिक यूजर्स एक साथ बैठते हैं इनोसेंट जीरो को हराने के लिए। रियो इनोसेंट जीरो के टीम से सेल वॉर को कैप्चर करके लाया था और ऑटर जो है वो सेल वॉर को टॉर्चर करके उससे पता लगवाता है कि इनोसेंट जीरो के बच्चे किस अड्डे और इनोसेंट जीरो कहां है, बेसिकली उसका अड्डा। अब सेल वॉर आपको पता होगा ऑलरेडी कौन है, एनीमे में दिखा दिया गया जिससे मैशले भिड़ा था। नाउ जैसे ही इन लोगों को इनोसेंट जीरो उसके बच्चे के अड्डे का पता लगता है तो कुछ लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं। ये थे रियो, ऑटर, डॉट, लैंस, फिन एम्स और रायन एम्स। तो बेसिकली इन सब की लड़ाई इनोसेंट जीरो के बच्चों से होने वाली है, यानी कि फाइनल फाइट का जो दूसरा चरण है वो पर्सनल फाइट्स पे फोकस करेगा और उस पे अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। No. वैसे अगर आपको याद नहीं कि फिन एम्स कौन है तो आपने देखा होगा एनिमे में एक हल्का पीले बाल वाला जो बंदा था वही फिन एम्स है और उसका जो भाई है जो कि डिवाइन विजनरी है वो है रायन एम्स। अब रायन डिवाइन विजनरी होते हुए भी फिन को बिल्कुल भाव नहीं देता, बेसिकली इनका वही सीन है जो कि सानेमी और गिन्या वाला सीन था। वहीं मैश की बात की जाए वो तो मस्त बेहोश पड़ा है, पता नहीं बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। आई मीन मेन हीरो है, बच तो जाएगा ही, ये सबको पता है, लेकिन कैसे बचेगा वो इंपॉर्टेंट है। बात सही है। तो यहां से अपन मैशले एनिमे पे तीन और वीडियोस बनाएंगे, मोस्टली तीन तो पक्का, चार भी हो सकता है बट तीन मान के चलो। अब जो अपनी अगली वीडियो होगी वो इनोसेंट जीरो के बच्चों की लड़ाई होगी, किसके साथ? डिवाइन विजनरीज के साथ, साथ ही अपने डॉट है, लैंस है, इन लोगों के साथ। देन उसकी जो अगली वीडियो होगी
होगी उसमें अपन बात करेंगे मैश और डूम का जो फाइनल फाइट हुआ उसमें कौन जीता उस पे, एंड देन जो फाइनल अपना फिनाले वीडियो होगा उसमें मैश वर्सेस इनोसेंट जीरो होगा। नीडलेस टू से ये जो आने वाली तीन फाइनल वीडियोस है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और लंबी भी होगी थोड़ी, क्योंकि तीन में ही सब कवर करने की मैं सोच रहा हूं। थोड़ा ज्यादा हो गया तो मैं भी चार कर दूं, लेकिन तीन ही मान के चलो। तो हां, यहां से खेल काफी मजेदार होने वाला है और इस वीडियो में मैंने फाइनल फाइट को काइंड ऑफ सेटअप किया है, पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या इवेंट्स हुए। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ही वोट किया था ना कि मांगा को पूरी तरह से कवर करो, वरना मेरा प्लान तो था सीधे मैच के फाइट्स को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप लोग बोले नहीं पूरी स्टोरी चाहिए, तो पूरी स्टोरी अच्छे से बता रहा हूं, मतलब शॉर्ट में ही, लेकिन सब कवर कर रहा हूं। जो भी हो, उम्मीद करता हूं आपको यहां काफी इन्फो मिला होगा, साथ ही फाइनल फाइट बहुत अच्छे तरीके से सेटअप भी हो गया होगा। ऐसे में आपका इंटरेस्ट भी पीक कर रहा होगा कि आगे क्या होगा। तो भैया वीडियोस आती रहेंगी, लेकिन तभी जब इस वीडियो पे 20K लाइक्स के साथ साथ 3K कमेंट्स दोनों चाहिए मेरे को, तभी लेकर आऊंगा अगली वीडियो। मतलब ऐसे भी लेके आऊंगा ही, लेकिन कर दोगे तो अच्छा लगेगा और खुशी से लेके आऊंगा। तो हाँ, कर दो लाइक्स, दोस्तों से भी करवाना, साथ ही चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।